विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज रहा आखिरी दिन। कांग्रेस के अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भारतीय जनता पार्टी के राजपाल सिंह शेखावत सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और निर्दलीयों ने भरे नामांकन। भारतीय जनता पार्टी ने आज पांचवी सूची की जारी। टोंक विधानसभा सीट से अजीत सिंह मेहता के स्थान पर यूनुस खान को बनाया गया नया प्रत्याशी। कांग्रेस ने बीकानेर पश्चिम सीट से बीडी कल्ला और पूर्व सीट से कन्हैयालाल झंवर को दिया टिकट। झालावाड़ में आज से चंद्रभागा पशु मेला हुआ शुरू। मेले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वीवीपैट मशीनों का भी किया गया प्रदर्शन। और दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पांच बार की चैंपियन एमसी मैरीकॉम ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। कजाकिस्तान की मुक्केबाज को 5-0 से हराया। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी प्रत्याशियों की सूची जारी किए जाने के बाद आज नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जोधपुर जिले की सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने लोगों से मुलाकात की। अब देखा हुआ कि नए शहरों में टिकट मिले हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। ये अब हमारे समाज की ड्यूटी है कि हम टिकटों को कामयाब करें। विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कल्पना देवी ने नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कोटा में मौजूद रहीं। आप जुट के 7 तारीख के लिए इनकी पूरी मदद करके लाठपुरा में फिर से हमारे परिवार को, पार्टी के परिवार को बहुत बड़ी ताकत देने का काम। इस तरीके से संजीदगी और सौम्यता के साथ उन्होंने अपनी राजनीति चलाई थी, उसी तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी बल देंगे और बढ़िया तरीके से पार्टी को जिताने का। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने टोंक से और गिरजा व्यास ने उदयपुर में नामांकन का दाखिल किया। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से कांता भील ने अपना नामांकन दाखिल किया। धौलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी से शोभा रानी कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा जिले की बाड़ी विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रामहेत कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइन्स क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। बीजेपी वर्सेस पब्लिक है, पब्लिक बीजेपी के खिलाफ खड़ी, पब्लिक बीजेपी को सबक सिखाना चाहती है। 100% बीजेपी की हार तय है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह का पाप किया राजस्थान में, ऐसा कभी हुआ नहीं, इतनी धोखाधड़ी कभी हुई है। कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह ने झालरापाटन सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। बीकानेर पश्चिम क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जोशी ने और कांग्रेस के बी डी कल्याण ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सीपी जोशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। हनुमानगढ़ के भादरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी ने नामांकन भरा। वहीं पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी सुशील बोध ने अपना नामांकन दाखिल किया। सिरोही विधानसभा सीट से संयम लोढ़ा ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया। अंता में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजपाल सिंह शेखावत ने जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने आम लोगों के दरवाजे तक जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई हैं। आज इस देश को जो इतने सालों से, इतने बरसों से जिनको जहां कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं दिखाई देता था, आज इस देशवासियों को और नौजवानों को एक इस तरह का नेतृत्व दिखाई दे रहा है जहां ये देश आगे बढ़ सकता है।
ये पहली बार है कि सरकार ने लोगों के दरवाजे खटखटा के कहा है कि आपके घर के अंदर योजना पहुंची है और उससे आपको लाभ होगा, ऐसा आज तक नहीं हुआ था। और ये जो काम करने का तरीका है यही लोगों को भा गया है। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार लोगों की सेवा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो हवा शुरू में मनाई थी कांग्रेस ने, उसका गुब्बारा फूट चुका है। और जिस तरह से उनके अंतर्कलह हुई है और जिस तरह से अब खुद अपनी अपनी विधानसभा बचाने के लिए सब लगे हुए हैं, कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 20 राज्यों में है उसी तरह राजस्थान में भी होगी। मैं समझता हूँ कि 5 साल पहले हिंदुस्तान की जनता ने मोदी लहर देखी है, अब 5 साल मोदी की सरकार का काम भी देखा है, मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार का काम भी देखा है। मैं समझता हूँ चुनाव के अंदर मोदी लहर सुपर मोदी लहर में तब्दील होने वाली। भारतीय जनता पार्टी ने यूनुस खान को टोंक से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्हें पूर्व में टिकट दिए गए रंजीत सिंह मेहता के स्थान पर नया प्रत्याशी बनाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं सूची जारी करते हुए 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। इसमें यूनुस खान के अलावा कोटपुतली से मुकेश गोयल को, बहरौल से मोहित यादव को, करौली से ओपी सैनी, केकड़ी से राजेंद्र विनायका, डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा, खीमसर से रामचंद्र उत्ता और खीरवाड़ा से नाना लाल आहारी को प्रत्याशी बनाया गया है। उन्हें शंकर लाल खराड़ी के स्थान पर टिकट दिया गया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कल 4थी सूची जारी कर 24 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई ममता शर्मा को पीपलदा से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं इज्जयराज सिंह की पत्नी कल्पना राजे को लाड़पुरा से प्रत्याशी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी नेता अशोक लाहौटी को सांगानेर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने सभी 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पूर्व में जारी सूची में 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं। इनमें बीकानेर पश्चिम सीट से प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बीडी कल्ला को टिकट दिया गया। वहीं हाल ही कांग्रेस में शामिल होकर बीकानेर पूर्व सीट से टिकट लेने में कामयाब हुए पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर का टिकट काटकर यशपाल गहलोत को प्रत्याशी बनाया गया। इसके बाद देर रात 4थी सूची जारी कर बीकानेर की 2 सीटों पर भी बदलाव किया गया। इसमें यशपाल गहलोत की जगह कन्हैयालाल झंवर को प्रत्याशी बनाया गया। मावली से लाल सिंह झाला की जगह पुष्कर डांगी को टिकट दिया गया। पार्टी ने किशोराय पाटन सीट पर प्रत्याशी बदलकर राकेश बोयत को टिकट दिया है। सूची में नोहर से अमित चाचन, खंडेला से सुभाष मील, नगर से मुरारी गुर्जर, किशनगढ़ से नंदराम धाकन, पाली से महावीर सिंह राजपुरोहित, किशनगढ़ से डॉक्टर करण सिंह यादव, सुमेरपुर से रंजू रामावत, जैतारण से दिलीप चौधरी, तिजारा से दुरुमिया और आसीन से मनीष मेवाड़ा को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने मंडावर और कुशलगढ़ सीट पर लोकतांत्रिक जनता दल के साथ, भरतपुर और मालपुरा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और बाली में एनसीपी के साथ गठबंधन किया है। राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने चुनावी प्रचार प्रसार के लिए कमर कस ली है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश भर के लिए चुनावी रथ रवाना किए गए। इन रथों को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पार्टी ध्वज दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों की सफलता को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है, जिसे देखते हुए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। विकास में कोई कमी नहीं रही है, जनता चाहती है कि विकास हो, जनता चाहती है कि अच्छा एक ग्रुप हो जो उनको आगे बढ़ाए। पार्टी पूरी तरह से साथ में लगी हुई है, मुझे विश्वास है कि भाजपा फिर से 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी जयपुर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में क्या सोच रहा है जयपुर का मतदाता, आइए जानते हैं जयपुर की वोट यात्रा के जरिए। यात्रा में आज हम पहुंच गए राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर, जिसे पेरिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। जयपुर अपने स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह ने जयपुर को बसाया। पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते जयपुर की सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस कुछ उलटफेर करने में कामयाब हो पाएगी? आइए चलते हैं और बात करते हैं लोगों से क्या है मतदाताओं का मिजाज।
आइए बात करते हैं अब कुछ दुकानदारों से। मैं जिस दुकान पर हूँ, यहाँ पर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का आइटम है जो फॉरेन के टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं ये कठपुतलियाँ हैं। इस बार चुनाव में आपके क्या इश्यूज रहेंगे? हमारे जो भी इश्यू हैं कि हाँ भाई, जहाँ पे हम टूरिस्ट प्लेस के ऊपर बैठे थे, कम से कम उसका पूरा अच्छी तरीके से ख्याल करें, साफ सफाई हो और यहाँ का टूरिस्ट के लिए हर तरीके की फैसिलिटी मिले। दुकानदार हमारे मुद्दे रहेंगे तो हमारी तो होमेल में हमारे पार्किंग नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ जाम लगा रहता है, टूरिस्ट नहीं रुकता है, टूरिस्ट परेशान हो जाता है। इन्होंने कहा कि पार्किंग एक बड़ा मुद्दा है, अगर पार्किंग की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगी तो यहाँ पर टूरिस्ट रुकेगा कैसा, टूरिस्ट रुकेगा नहीं तो उनकी खरीदारी कैसे होगी। शहर में मेरी मुलाकात हो गई है कुछ यंगस्टर से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और बहुत एक्साइटेड हैं इस बार कि वो वोट डालेंगे। आइए उनसे बात करते हैं, फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे और क्यों है एक्साइटमेंट? इतने टाइम से जैसे कि देखते आ रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को जज करते हुए एक हमारी एज आ चुकी है और हम लोग बिल्कुल एक अच्छे डिसीजन पे हैं कि हम लोग क्या सोच सकते हैं। एक्चुअली फर्स्ट तो क्लीनलीनेस है, रोड्स वगैरह इतना कहीं भी फेंक देता है कचरा, और सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब ट्रैफिक जाम होता है, ये बहुत बड़ा इशू है। इवनिंग के टाइम में काफ़ी ट्रैफिक जाम्स होते हैं, तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीनलीनेस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीनलीनेस इन्होंने बताया, ट्रैफिक जाम एक समस्या जो पूरे हिंदुस्तान की है और टूरिस्ट सिटी जयपुर की खास तौर से। एक और यंगस्टर है उनसे हम पूछेंगे, आपके क्या इशू है जब आप वोट कास्ट करेंगे? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए। मैं चाहूँगी कि जयपुर में बहुत एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट हो और जो यहाँ पे लोगों के अंदर मतलब कहीं से भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, अगर रेड लाइट है तो वो क्रॉस कर देते हैं, तो मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक का बहुत इशू है। मेरे ठीक पीछे है हवा महल, जिसे पूरी दुनिया पैलेस ऑफ विंड्स के नाम भी जानती है। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने अपने ईष्ट देव कृष्ण भगवान को समर्पित इस स्मारक को बनवाया। हवा महल में 365 खिड़कियां हैं और खिड़कियों में झरोके। आइए झरोकों में से झांक कर देखते हैं किस तरफ बह रही है चुनावी हवा। हवा महल में घूमते घूमते मुझे कुछ पर्यटक मिल गए हैं जो आमची मुंबई से आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जयपुर में उनको क्या खास लगा और ख़ास तौर से हवा महल में। काफ़ी क्लीननेस है और काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है, बहुत बढ़िया तरीके का आर्किटेक्चर है, काफ़ी बहुत बेहतरीन और काफ़ी सुंदर है। या क्लीनिंगनेस तो बहुत ही अच्छा है और मेहमान नवाजी भी अच्छी है, घूमने के लिए अच्छा है और फोटो सेशन के लिए बहुत अच्छा लगा। नहीं, यहाँ का सब आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, क्लीनिनेस भी बहुत अच्छा है, अच्छा लगा यहाँ का, बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को फील भी बहुत अच्छा लग रहा है और वापस आने का मन करेगा हमारा। एक इम्प्रेशन लेके पर्यटक जाता है तो वो एक रिपोर्ट कार्ड भी होता है यहाँ के स्थानीय, जहाँ पर भी वो जाते हैं वहाँ के प्रशासन और सरकार के बारे में। आइए चलेंगे आगे और कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि स्थानीय लोगों के चुनावी मुद्दे क्या हैं। जो भी इश्यूज ये हैं कि हमारी ये जो इंडस्ट्री है ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और इसके लिए हमें सरकार का बहुत सहयोग हमेशा चाहिए होता है, क्योंकि जो भी हमारे क्राफ्ट्समैन हैं वो इसी इंडस्ट्री में बने रहें, दूसरी इंडस्ट्री में नहीं जाएं और आगे हमारे स्किल लेबर हमारे पास रहे, ये बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए उनका किस तरह से उनको हम रख पाएँ, उनको संरक्षण मिले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी सरकार आए वो इस इशू पर गौर करे, यही हमारी इच्छा है। फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर आम मतदाता तक हमने आपको सुनाई जयपुर की आवाज। अगले सफर में हम आपको लेकर चलेंगे आमेर, वो आमेर जो जयपुर से पहले कभी कछावा वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करता था। कैमरामैन कमल योगी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज जयपुर। पत्र सूचना मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से दौसा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय जयपुर इकाई की ओर से अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र जयपुर में आज विश्वविद्यालय का 33वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 20 जिलों के इग्नू परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों ने हिस्सा लिया। इग्नू की क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि इग्नू हर वर्ष अपने नए केंद्र और नए कोर्सेज के माध्यम से शिक्षा के व्यवस्थित और सुगम्य प्रचार प्रसार में अपना सहयोग देता रहा है। अवसर पर हम अपने अध्ययन केंद्रों की एक मीटिंग भी कर रहे हैं, और चूंकि दिसंबर में हमारे एग्जामिनेशन भी शुरू हो रहे हैं, तो उन एग्जाम्स की तैयारी, साथ ही साथ हम कैसे बेहतर लर्नर सपोर्ट सर्विसेज, विद्यार्थी सेवाएं अपने विद्यार्थियों को दे सकें, उसके ऊपर मंथन करने जा रहे हैं। क्योंकि विद्यार्थी हैं तो हम हैं, और इग्नू का जो मोटो है वो वही है कि टेकिंग एजुकेशन टू द डोर स्टेप्स ऑफ द लर्नर, शिक्षा आपके घर द्वार। और यही कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी कि कैसे हम शिक्षा को जन जन तक, उसका लोकतंत्रीकरण कर सकें। झालावाड़ में आज से चंद्रभागा पशु मेला शुरू हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने ध्वजारोहण कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से क्षेत्र के विकास में सहयोग देने की अपील की। मेले के में लोगों को सभी तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं। मेले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा वीवीपैट मशीनों का भी प्रदर्शन किया गया है। यह मेला झालावाड़ झालरापाटन पूरे जिले के लिए बड़ा ही रौनक वाला है, क्योंकि बहुत लंबा चलता है, दुकानें बहुत लंबे समय तक लगी रहती है। इसी मेले का पार्ट में 22-23-24 को भी 22-23-24 को भी पर्यटन विभाग की तरफ से काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी हैं, रैपलिंग है, साथ साथ में क्लासिकल डांस का भी प्रोग्राम शिव शक्ति के नाम से रखा गया है, म्यूजिकल नाइट रखी गई है। हमने यहाँ के जो स्थानीय हमारे अधिकारी हैं, नगर पालिका के ईओ साहब हैं, तहसीलदार जो यहाँ बैठते हैं मेला मजिस्ट्रेट के तौर पर, उनको हमने पाबंद किया है कि हमारे जितने भी बाहर से आने वाले मेहमान दुकानदार हैं, जो पशुपालक हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं आने पाए। दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5 बार की चैंपियन भारत की एमसी मैरीकॉम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैरीकॉम ने एक तरफा मुकाबले में कजाकिस्तान की एगरिम कसानोवा को सीधे सेटों में 5-0 से हराया। एक अन्य मुकाबले में भारत की मनीषा ने भी अपने वर्ग का मुकाबला जीता। आइए अब देखते हैं 5 मिनट में 15 खबरें। विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने का आज रहा अंतिम दिन। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भरा नामांकन। कोटा के लाड़पुरा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कल्पना ने भरा नामांकन। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजपाल सिंह शेखावत ने जयपुर जिले के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भरा पर्चा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे मौजूद। सिविल लाइन्स क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचारियावास ने भरा पर्चा। भारतीय जनता पार्टी ने आज 5वीं सूची की जारी। टोंक विधानसभा सीट से अजीत सिंह मेहता के स्थान पर यूनुस खान को बनाया गया नया प्रत्याशी। कांग्रेस ने बीकानेर पश्चिम सीट से बीडी कल्ला और पूर्व सीट से कन्हैयालाल झंवर को दिया टिकट।
विधानसभा चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश भर के लिए रवाना किए गए चुनावी रथ। सात दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी जयपुर में सियासी सरगर्मियां हुई तेज। पत्र सूचना मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से दौसा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र जयपुर में आज मनाया गया विश्वविद्यालय का 33वां स्थापना दिवस समारोह। झालावाड़ में आज से चंद्रभागा पशु मेला हुआ शुरू। मेले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वीवीपैट मशीनों का भी किया गया प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर से होगा शुरू। केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, इसराइल के साथ भारत के झारखंड राज्य पर भी रहेगा फोकस। दिल्ली में चल रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5 बार की चैंपियन एमसी मैरीकॉम ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। कजाकिस्तान की मुक्केबाज को 5-0 से हराया। और उत्तर भारत में बर्फबारी और ठंडी हवाओं के चलते प्रदेश में भी सर्दी का असर हुआ तेज। राज्य के अधिकांश स्थानों के तापमान में फेरबदल। इसी के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त होता है। नमस्कार।